man who is speeding to us for 2 kilometers. He gives me like 2 punches. He pulls me completely, like he pulls my hair. महाराष्ट्र में फॉर सम रीजन रोड एक्सीडेंट्स और रोड रेज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ मंथ्स पर नजर डालें तो मुंबई से लेकर पुणे तक कई मामले आ चुके हैं। क्यों जनरली लोग गुस्से या जोश में गाड़ी चलाकर राह चलते मासूमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पुणे का रीसेंट केस शायद आपने देखा होगा। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट ऑफ रोड रेज, स्वप्निल केकरे नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने स्कूटर से अपने 2 बच्चों के साथ जा रही एक महिला को बुरी तरह पीट डाला। एक तो महिला पर हाथ उठाना, ऊपर से उसके पीछे एक ऐसी वजह कि आप यही कहेंगे कि ऊपर वाला ऐसे लोगों को अक्ल दे। आरोप है कि स्वप्निल को बहुत तेज गुस्सा आ गया था क्योंकि वो अपनी कार से महिला की स्कूटर को ओवरटेक करना चाह रहे थे, लेकिन महिला की गलती ये थी कि वो उसको ओवरटेक करने की स्पेस ही नहीं दे रही थी। बताइए कितनी बड़ी गलती। जाहिर है गलती इतनी बड़ी थी तो गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्से पर काबू करना कहाँ आता है इंसान। इससे अच्छा है कि बीच सड़क किसी अनजान महिला को पीट दिया जाए। स्वप्निल ने भी यही किया। आरोप तो यही है। खून से लथपथ विक्टिम ने पूरा इंसिडेंट शेयर किया। There was an old man who was speeding to us for 2 kilometers, and I was somehow taking the vehicle from the left hand side, not wanting to come into his way. This guy overspeeds, you know, risks life of so many people, and takes a left turn, takes me on the side. He gets out of the car very furiously. He gives me like 2 punches. He pulls me completely, like he pulls my hair. इसके बाद जर्लिन डिसिल्वा की शिकायत पर स्वप्निल केकरे के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। जर्लिन खुद एक कंटेंट क्रिएटर है। अब केस में आगे क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक सवाल जो जर्लिन ने खुद पूछा शायद हम सबके मन में आना चाहिए। हाउ सेफ इज दिस सिटी, ये शहर या फॉर दैट मैटर कोई भी शहर कितना सेफ है? लोग पागलों की तरह क्यों बिहेव करते हैं? अगर ऐसे खुल्लम खुल्ला बीच सड़क पर महिला पर हमला हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने गुस्से का क्या फायदा होता है? क्यों लोग छोटी छोटी बात पर आपा खो बैठते हैं? क्या रास्ते में यूं ही किसी को गुस्से में मारने का कोई डिफेंस है? किसी ने ओवरटेक नहीं करने दिया, या किसी ने क्यों ओवरटेक कर लिया, या कोई बगल से गलत बोलकर निकल गया? क्या ये बातें इतनी बड़ी हैं कि लोग आपस में लड़ लें, घायल कर दें किसी को? माना कि सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन होते हैं। हो सकता है उस शख्स का दिन बुरा जा रहा हो, लेकिन भाई साहब घर की बात घर में ही निपटा कर क्यों नहीं आते? क्यों घर का गुस्सा सड़क पर उतारने लगते हैं एक एकदम अनजान शख्स पर जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है? पॉइंट ये है कि जब हादसा हो जाता है तो उस पर एक्शन होता है, लेकिन क्या हम सबको एज ह्यूमन बीइंग्स ये सोचने की जरूरत है कि ऐसी चीजें होती ही क्यों है? क्या गुस्से पर काबू करना इतना मुश्किल होता है? ये रोड रेज का मामला है जहां आरोपी को पकड़ना आसान होता है, लेकिन फिर हिट एंड रन के मामले भी हैं। ये मामले भी आए दिन आते रहते हैं। इस ऑटो रिक्शा का ये हाल किया है एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने, और सिर्फ एक ऑटो नहीं, ऑडी ने 2 ऑटो रिक्शा का ये हाल किया है। मामला मुंबई के मुलुंड इलाके का है। इस हादसे में 2 ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स और 2 पैसेंजर्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हादसे में 1 ऑटो ड्राइवर क्रिटिकल बताया जा रहा है। इसी तरह की न्यूज इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब तो जैसे आम बात हो गई है। हर बार ऐसा ही कुछ होता है, फिर एक लग्जरी कार, फिर उसकी चपेट में आम इनोसेंट लोग, फिर लग्जरी कार छोड़कर भागा हुआ ड्राइवर, और पुलिस के लिए एक नया केस जिसे फिर नए सिरे से सॉल्व करने की जद्दोजहद शुरू होगी। दरअसल इन बढ़ते मामलों को देखते हुए यही लगता है कि कितनी बार पुलिस प्रशासन और जुडिशियल सिस्टम को कोसा जाए, कब मिलेगा इंसाफ, ये सवाल भी अब बोरिंग लगने लगा है, रेपिटेटिव लगने लगा है। अगर वाकई किसी की गलती है तो उनकी है जो ऐसे केस में मुजरिम होते हैं, जिनको अपनी जिंदगी में होश नहीं होता, किसी पर अमीरी का नशा चढ़ा रहता है, किसी पर गुस्से का, जिसकी वजह से कहीं कोई घायल हो जाता है तो कहीं कोई जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है कॉमेंट में बताएं, और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।